मध्य प्रदेश के रीवा में एमपीआरडीसी की मनमानी अपने चरम पर है। एमपीआरडीसी के मनमानी के कारण सैकड़ों किसान परेशान हैं। किसानों को कहीं न्याय की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। मामला रीवा जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत बहुती टडहर पटहरा पटहरी खटखरी देवरा और बिझोली गहरवान गांव का है, जहां किसानों को एमपीआरडीसी के द्वारा रीवा से हनुमना नेशनल हाईवे सड़क बनाने के दौरान जमीन ली गई थी और किसानों का घर गिरवा दिया गया था, जिस पर किसानों को जमीन और मकान का मुआवजा नहीं दिया गया, जिस कारण किसानों के द्वारा एसडीएम हनुमना के पास शिकायत की गई। हनुमना एसडीएम के द्वारा शिकायत को ध्यान में रखते हुए किसानों के जमीन और मकान का मुआवजा बनाकर एमपीआरडीसी कार्यालय में भेजा गया, लेकिन 2 साल से अधिक का समय हो गया पर अभी तक एमपीआरडीसी के द्वारा किसानों को मुआवजा प्रदान नहीं किया गया, जिस पर किसान एमपीआरडीसी के संभागीय कार्यालय पहुंचे और मुआवजे की बात करने लगे तो एमपीआरडीसी के प्रबंधक ने किसानों से 10% की डिमांड की, जिस पर किसान 10% देने के लिए जब मना कर दिए तो किसानों का मुआवजा रोक दिया गया, जिस कारण किसान दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रहे हैं। पीड़ित किसानों के द्वारा बताया गया कि वह लोग विगत 4 साल से रीवा कलेक्टर से लेकर हर एक अधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। हालांकि इस संबंध में जब रीवा कलेक्टर को जानकारी दी गई तो रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम इसकी जांच करवा लें, इसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। किसान अभी भी मुआवजे की उम्मीद लगाकर रीवा कलेक्टर की तरफ नजरें टिकाए बैठे हुए हैं। चरण विश्वकर्मा कहाँ के हैं? बिझोली घरवरा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला, मकान गिरा के रोड बना दिन गए और ये कहा गया कि 10 दिन के अंदर मिल जाये। 10 दिन के अंदर से आज 5-6 साल रोड बने भाई, 5-6 साल तक पैसा नहीं मिल रहा। हम लोग एस डी एम साहब के यहाँ गए, आवेदन दिए, कलेक्टर साहब को दिए, विधायक जी को दिए, मुख्यमंत्री को दिए और एमपीआरडीसी में गए, आधार कार्ड पासबुक का फोटो कॉपी मांगी, वह दई आन, एक बावजूद पैसा नहीं मिला। उन दोबारा गन तो ऐसा भी कहा था कि कुछ परसेंटेज चाहिए। के कहे इसके परसेंटेज चाहिए? करौंदिया साहब। हाँ, ये क्या है? अंशु करौंदिया एमपीआरडीसी के प्रबंधक मालिक है। अच्छा, तो का कहें? कहें कि कुछ पैसा चिट्ठी बजाएं कि कुछ पैसा चाहिए। तो अब उनकर कहा कि मतलब कि वो हमका आधा तिहाव दे तब हम पेमेंट करी और नहीं आवा जा घर तो हरे जाए। अच्छा, ये कब से अपना पाँच भट किला है? ये आज 5-6 साल से हो गए, जब से रोड निकली। ए बार बनवाई, विधायक जी अर्जी पूरी दे के भोपाल दिल्ली गए और सब अधिकारी दस्तखत करी ने वार्ड बने के अवार्ड कंप्लीट हो गया, तब भी पैसा नहीं मिला। साल डेढ़ साल से लटका है। और आज 1.5 साल से हम लोग लटका हैं। कितना पैसा है अपना के? हमार पैसा जमीन के 1,55,000 के लगभग है, जमीन के, और 5 लाख कुछ रुपया मकान के रही है। तो एकर मुआवजा बन गया है? हाँ, एकर मुआवजा बन गया है, जेकर एवार्ड तैयार है, सब पूरे अधिकारी दस्तखत कर चुके हैं। चारे जमीन जो बची है तो रोड में है या मौके पर है। अब ओहू में 5 आरे के प्रकाशन है। रोड में कितना? अच्छा, पैसा पूरा चली गई है? पैसा नहीं मिला जनाला? नहीं, पैसा नहीं मिला जनाला, तब न हम लोग परेशान हैं। ढाई अधिकारी के लिए, ढाई वहाँ अधिकारी के लिए। ठीक है, धन्यवाद। सुराज सिंह कहाँ के हैं? बिझोली। क्या समस्या है? बिझोली घरवरान के हैं। हम लोगों की समस्या ये है सर कि हम लोगों का जमीन का प्रकाशन हुआ था और उसमें फिर उसके बाद लिख हम लोगों को नोटिस आई कि आपत्ति विपत्ति जो भी लगाना हो तो लगाइए, लेकिन जो प्रकाशन हुआ था वो सही था। उसमें मेरा मकान उकान जो फंसे थे उनका भी वैल्यूएशन मतलब प्रकाशित किया गया था और उसके बाद जो है यहाँ पर आए एमपीआरडीसी द्वारा उनको और पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी थे और आ करके अपना घर को नापे जोखे और नाप जोक करके वो ले गए। ले जाने के बाद फिर 1-2 महीने 4 महीने बाद फिर उसका एवार्ड वार्ड जो कुछ बनाते होंगे वो बनाए
मना करके वहाँ से कलेक्टर साहब के यहाँ से कहाँ से आदेश आया यहाँ हनुमाना SDM साहब के पास, फिर वो हम लोगों का पूरा एवार्ड बना और पूरा जमीन का इतना, मकान का इतना, हर चीज़ का बना और यहाँ से SDM साहब बना करके और MPRDC को दे दिए। जब MPRDC को दे दिए तो हम लोग गए वहाँ पर तो बोले कभी रुक जाइए, वहाँ भेज दिए हैं, आप लोगों का पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब एक दो महीने नहीं मिला फिर हम लोग गए SDM साहब के पास, तो बोले कि ठीक है हम चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखे फिर वो लोग कुछ जवाब वबाब नहीं दिए, फिर हमसे बोले कि आप लोग ऐसा करिए कि एक बार चले जाइए वहाँ पर। वहाँ पर हम लोग गए, हम लोग बोले कि सर हम लोगों का पेमेंट ये है, ये वार्ड है, हम लोगों का पेमेंट कर दीजिए। तो बोले कि आधार कार्ड दीजिए और खाता नंबर दीजिए। उस दिन हम लोग नहीं लिए थे तो वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर पुनः जब रीवा गए 4-6 दिन बाद, तो अपना आधार कार्ड खाता नंबर उनको दिए। देने के बाद बोले कि एक महीने में आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद वो एक महीने बाद जब पेमेंट नहीं हुआ तो फिर गए हम लोग, बोले कि सर पेमेंट नहीं हुआ हम लोगों का। तो बोले कि क्या हुआ था कि सर कागज़ उस दिन कहाँ रख दिए, गुम गया। तो बोले कि आप लोग दूसरा कागज़ दे दीजिए। तो हम लोग दूसरा कागज़ रखे थे तो उसकी फ़ोटोकॉपी करा करके फिर से आधार कार्ड और पासबुक की फ़ोटोकॉपी दे दिए। देने के बाद एक 1.5 महीने 2-3 महीने बाद हम लोगों के खाता में हमारी ज़मीन का पैसा आ गया। ज़मीन का पैसा आ गया तो हम लोग सोचे कि पैसा कहाँ से आ गया खाते में। एक दिन गए वहाँ बैंक वालों से पूछे भाई ये कहाँ से आया है, वो कुछ कोड बताए, फिर समझ में नहीं आया। तो फिर यहाँ से हम लोग गए MPRDC 10-15 दिन बाद गए तो पूछे सर हम लोगों का पेमेंट अभी नहीं हुआ, पेमेंट कर दीजिए। तो बोले नहीं हम तो पेमेंट भेज दिए हैं। तो हम बोले पटेल कहाँ के हैं, देवरा, क्या समस्या है? MPRDC मतलब रोड में भूअर्जन द्वारा ज़मीन अधिग्रहित किया गया था, जिसमें ज़मीन का भी अवार्ड, मकान का भी अवार्ड भूअर्जन अधिकारी द्वारा बना के MPRDC को भेजा जा चुका है भुगतान के लिए, लेकिन आज तक भुगतान उन्होंने नहीं किया। आपके द्वारा कहीं पे शिकायत की गई? हाँ, हमारे द्वारा शिकायत SDM साहब के यहाँ भी की गई, MPRDC में भी की गई, कलेक्टर साहब के यहाँ भी की गई और मुख्यमंत्री के यहाँ की गई, लेकिन इसका रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिला। MPRDC के द्वारा क्या जवाब लिया जाता है? MPRDC कार्यालय में हम लोग गए, वहाँ पूछा गया तो ज़मीन का उन्होंने भुगतान के लिए प्रोसेस किया, लेकिन आज 2.5 महीने हो गए अभी तक पेमेंट नहीं आया। मकान के लिए बोला गया तो बोले कि मकान का नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उनका वक्तव्य था कि नहीं देंगे, हम दायर करेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ज़मीन का उन्होंने मुआवजा देने के लिए कहा और प्रोसेस किया है, हालांकि अभी वो भी नहीं आया। ज़मीन और मकान दोनों का पैसा नहीं आया? हाँ, ज़मीन और मकान दोनों का पैसा अभी तक नहीं आया। कितना पैसा है आपका? 2.5 लाख के समथिंग ज़मीन का है, 11 आरे का और 10,38,000 मकान का है। प्रसाद पटेल कहाँ के हैं? ग्राम देवरा के। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारी ज़मीन 2013 में ले ली गई थी, 2 डिसमिल मेरी ज़मीन थी जिसमें से 1.5 डिसमिल ज़मीन ले ली गई। 1.5 डिसमिल ज़मीन का 1,16,000 रुपये हमको ज़मीन का मुआवजा दे दिया गया, मकान का मेरे 4 लाख रुपये बना है जो आज तक भुगतान नहीं किया गया, और हम लोग पूरे MPRDC और SDM कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय और साथ में विधायक के साथ में हम लोग धरना प्रदर्शन भी विधायक जी दिए थे टोल प्लाजा पर, तो आश्वासन मिला था कि नहीं हम 15 दिवस के अंदर दे देंगे, मगर आज तक भुगतान नहीं। आप लोगों के द्वारा शिकायत कहाँ कहाँ की गई? हमारे द्वारा शिकायत है SDM महोदय हनुमाना और कलेक्टर महोदय रीवा और साथ में MPRDC रीवा और भोपाल। MPRDC के द्वारा क्या बोला गया? MPRDC के द्वारा बोला गया कि आप लोगों को पैसा मिल चुका है, अब नहीं मिलेगा,
और आप लोग जो है तो यहाँ से जा सकते हैं, और हम भुगतान कर चुके हैं, पैसा नहीं देंगे। एमपीआरडीसी के द्वारा कितना पेमेंट किया गया है आपको? 1,16,000। और कितना बनता है आपका? 4,00,000 मकान का। धन्यवाद।